ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। पिछले 8 से 10 सालों में और खासकर 7 सालों में बीजेपी ने देश के कई राज्यों में चुनाव के समय और बिना चुनाव के सत्ताधारी या बहुमत वाली मजबूत पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकारें बनाई है। अब जैसे कुछ ऐसा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह की राजनीति सूबे में देखने को मिल रही है। पिछले 7 सालों में जहां एक रणनीति के तहत अन्य दलों के नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होते थे, वहीं जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, हवाओं का रुख तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में बीजेपी के कई दिग्गज अन्य पार्टियों में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के इन दिग्गजों का ठिकाना मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी है। बीते 2 दिन में योगी सरकार के 2 मंत्रियों और 4 बीजेपी विधायकों का इस्तीफा देना और तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात होना इस बार बदलाव के संकेत दे रही है। मंगलवार को योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बुधवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा देते हुए राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रदेश सरकार पर इसी तरह का आरोप लगा चुके हैं। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार जवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 4 विधायकों का इस्तीफा और बुधवार को दारा सिंह चौहान का इस्तीफा बीजेपी की मुश्किलों को न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि पार्टी को चुनाव से ठीक पहले भाजपा को अपने दलित वोट बैंक को खोने का डर भी सताने लगा है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों ही मंत्रियों की पार्टी से इस्तीफा देने पर उन्हें पुनर्विचार करने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह चिंतित होना भी वाजिब है क्योंकि मौर्य इन्हीं कुछ मंत्रियों के सहारे योगी सरकार में दलितों की आवाज को मजबूत करते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यथित होते हुए कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। केशव प्रसाद मौर्य जहां अपने नेताओं से अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं सियासी पंडितों का दावा है कि दारा सिंह चौहान उन नेताओं में गिने जाते हैं जो जमीनी हकीकत को पढ़ लेते हैं। पिछले कई बार से वे उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करते रहे हैं। इस बार उनका बीजेपी छोड़कर जाना क्या खतरे की घंटी है? आपको बता दें कि दारा सिंह ने अपना इस्तीफा देने के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि दारा सिंह चौहान ने अभी तक समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, यह हमारा समेकित संकल्प है। सबको सम्मान, सबको स्थान। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सूर्य के उत्तरायण के दिन सूबे में सियासी उत्तरायण होगा। भाजपा का साथ छोड़ चुके दोनों दिग्गजों मौर्य और चौहान का दावा है कि 14 जनवरी को बड़ा धमाका होने वाला है। अब तक मौर्य और चौहान के समर्थन में 4 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं कई अन्य विधायक 14 जनवरी को बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि 14 जनवरी को ही कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी इसी दिन आएगी। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की केवल औपचारिकता ही बाकी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाजपा को इसका आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होना तय है। मौर्य गैर यादव पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश की राजनीति में इस जाति का असर करीब 100 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। वहीं ओबीसी का चेहरा माने जाने वाले दारा सिंह चौहान की जाने से उनके समर्थक भी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी दावा कर चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 13 और विधायक भाजपा से इस्तीफा देंगे, जिसे विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए संकट के तौर पर देखा जा रहा है।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।